नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल में जिसका नाम है नॉलेज स्टेशन। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के पेज पर। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है रियल वर्ड कर्सर एडिटर। दोस्तों ये पेज खुलकर सामने आ जाएगा आपको। उसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये। दोस्तों इस वेबसाइट से हम ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, गूगल ये आइकन रियल वर्ल्ड का जो ये आइकन है, इसी सॉफ्टवेयर को हमको डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप और पीसी में। तो हम यहाँ पर इस डाउनलोड बटन को क्लिक कर लेंगे। दोस्तों ये 7.7 MB की फाइल है, इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लग सकता है आपके कंप्यूटर में। हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे। प्रेस द नेक्स्ट बटन। लाइसेंस एग्रीमेंट को हम लोग एग्री कर लेंगे। सेलेक्ट एवरीवन एंड प्रेस नेक्स्ट बटन एंड इंस्टॉल इट। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर दोस्तों ये आइकन बनकर आ गया है आपके सामने। अब इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हम क्रिएट में जाएंगे। प्रेस द न्यू माउस कर्सर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों आना है मेक एरो शेप। ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये ऐसा आइकन दिख रहा है। यहाँ पर हम इसके फीचर्स को जान लेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरो डायरेक्शन। आप यहाँ पर इस अपने माउस को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट होगा। आप इसको अप डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लेफ्ट में ही रहने देते हैं। इसके हेड के साइज को आप चेंज कर सकते हैं। हम इसको 60 पर रख देते हैं। उसके बाद हम लोग इसके टेल के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पर 65 पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आउटलाइन कलर भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या कलर होना चाहिए वो भी हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। इसके टेल की तरफ क्या कलर होना चाहिए उसको भी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ एक और ऑप्शन दिया गया है आउटलाइन विड्थ है, इस विड्थ को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको 10 पर रख देते हैं और ओके कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपका नया कस्टमाइज माउस बनकर आपके सामने आ गया है। अब इसको यहाँ से यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मूव बटन और इसको ले आएंगे सेंटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इलिप्स सेक्शन। इलिप्स करते ही आपके सामने दो ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, सर्किल और इलिप्स। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर सर्किल सेलेक्ट कर लेंगे और इसको
इसके बैकग्राउंड को हाईलाइट कर देते हैं। इसके साइज को यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं फुल। और उसके बाद इसके बैकग्राउंड में कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से हम लोग इसके कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं येलो कलर में। और यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, आपने कस्टमाइज माउस पॉइंटर के बैकग्राउंड को हमने येलो कर दिया। तो से यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसका प्रीव्यू अभी आपका माउस थोड़ा सा दूर है आपके पॉइंटर से, तो हम इसको यहाँ से मूव कर लेंगे और इसको यहाँ पर इसके पॉइंट पर ले लेंगे। और हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इसका पॉइंटर का कलर चेंज हो गया, इसका बैकग्राउंड येलो हो गया है। और हम इसे यहाँ फाइल में जाके इसको सेव एज इसको रीनेम कर देते हैं। नॉलेज स्टेशन के नाम से, और इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिए दोस्तों, ये बनकर आ गया है। अब हमको जाना है कंट्रोल पैनल में। तो दोस्तों हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से सर्च में कंट्रोल पैनल सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल पैनल में आपको जाना है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। उसके बाद दोस्तों आप जाइए पर्सनलाइजेशन में। यहाँ पर दोस्तों देखिए चेंज माउस पॉइंटर, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप पॉइंटर सेक्शन में आप आइए यहाँ पर ब्राउज। आपने डेस्कटॉप पे आपका कस्टमाइज पॉइंटर सेव किया था, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर लेंगे।